यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय मीडिया के भाई बंधु, आज हमारे विकासशील इंसान पार्टी में मजबूती से साथ देने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए छात्र प्रकोष्ठ को लीड करेंगे हमारे विकास बक्सर जी, जो पटना में हमारे पार्टी में वीआईपी पार्टी में स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास सिंह जी, जो हमारे स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पार्टी में आपने हर पार्टी में देखा पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ होता है, लेकिन हमने वीआईपी पार्टी में एक स्पेशल से हम अपर कास्ट हमारे ऊँचे हमारे भाई को हमने जगह दिया है, जिसमें स्वर्ण प्रकोष्ठ हमने बनाया है और जिसको पूरे प्रदेश को देख रेख करेंगे हमारे विकास जी। और हमारे साथ सुरेश मुखिया निषाद जी हैं, जो मजबूती से संगठन के लिए पहले भी साथ में काम करते थे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया, युवा साथी हैं। और हमारे अधिवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार रंजित रंजन जी, जो हमारे अधिवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष उनको आज नियुक्त किया गया है। और स्वर्ण प्रकोष्ठ में हमारे उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौबे जी, जो अभी जो पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और इस पार्टी में 25 प्रकोष्ठ है, जिसमें तकरीबन अभी 8-10 प्रकोष्ठ पे अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है और आने वाले समय में पूरे पार्टी का कोरम भरा जाएगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से युवा साथी जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, जोश खरोश से जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में वीआईपी पार्टी मजबूती से बिहार में अपनी सरकार बनाएगा और अपने गरीब हर अति पिछड़ा पिछड़ा हर समाज के लिए युवा के लिए बेहतर विकल्प देगा। क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, हम मुंबई जैसे शहर से मैं आया हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके से हमारे बिहार में खास करके युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 15 साल राज करने के बावजूद भी बिहार में एक भी फैक्ट्री बड़े नहीं उद्योग नहीं लगा पाए, तो हम लोगों का कोशिश होगा कि बिहार में मजबूती से युवा के लिए काम करें, अपनी सरकार बनाएं और आने वाले समय में युवा को बेहतर विकल्प मिले, उसके लिए हम लोग मजबूती से काम कराएंगे। फिर से मैं पुनः हम विकास जी को और हमारे सुरेश मुखिया जी, तमाम हमारे सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने पार्टी में जुड़ने से मजबूती से हमारा पार्टी बहुत आगे तेज़ी से बढ़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ ही। और हमारे अभी छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बक्सर जी आपके बीच में कुछ बात रखेंगे। हमारे साथ आए हुए सभी युवा साथी हैं, मंच पर उपस्थित युवाओं की जान बिहार की शान, हमें संघर्ष और मेहनत के नाम से जाने जाते सन ऑफ मल्ला से फेमस मुकेश सर जी के हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम जैसे गरीब छात्रों पर ध्यान देकर बिहार उत्थान के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार को छात्रों के लिए सोचने का काम किए हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद मुकेश सर जी को देना चाहते हैं।